Welcome you all in the online classes of Bishop Academy. And today we have discussed about series and parallel combination of cells. As in our last class, we have discussed about what is cell, what is internal resistance, and what is the relation between EMF, internal resistance, and terminal potential difference. It's okay. Now start. First of all, series combination. Series combination of cells. It's okay. Series combination में let us consider two cells having EMF E1 and E2. इसका EMF E1 है और इसका internal resistance R1 है. Okay. यहाँ EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है. ये दोनों दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड हैं. अब इस एंड पॉइंट का नाम A रख देते हैं, यहाँ बीच में B और ये पॉइंट जो है C है. इनका इक्विवेलेंट जो होगा, सपोज कर लेते हैं इन दोनों सेल्स को मिला करके एक सेल बना जिसका नाम है E इक्विवेलेंट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट. ओके. और ये आपका एंड पॉइंट ए है और ये सी है. ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों सेल मर्ज होकर के एक सेल बन गए. तो अब हमें इक्विवेलेंट पता करना है. तो सबसे पहले आपको पता है कि पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो होगा, आई करंट. सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा दोनों ही सेल्स के अक्रॉस. अब अगर हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल पोटेंशियल निकालना चाहें, जिसको हम लिख सकते हैं वी ए बी, तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा वी ए माइनस वी बी. और आपको पता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस करेंट इनटू ईएमएफ माइनस V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होता है. ये वी ए बी का वैल्यू हो गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट बी एंड सी, वी एंड सी के बीच अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहे वी बी सी, तो ये होगा आपका वी बी माइनस वी सी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा आपका इंटरनल सॉरी ई एम एफ ई टू माइनस करेंट सेम है दोनों के अक्रॉस आई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर वन. V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ये फार्मूला है. इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कहेंगे. अब हमने दोनों का इक्विवेलेंट एक मान लिया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम VAC को लिख सकते हैं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC. देखिए क्या होगा, इसको ध्यान से, VB यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, VA माइनस VC बचेगा. यानी कि हमने अरेंज कर लिया, VAC को हम लिख सकते हैं VA माइनस VC, हमने VB माइनस कर दिया और ऐड कर दिया, यानी सेम क्वांटिटी ऐड किया माइनस किया कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से VA माइनस VB का वैल्यू है E माइनस आई आर वन, E1 माइनस I1, करेंट सेम है तो I1 नहीं होगा R1, प्लस VB माइनस VC इसका वैल्यू है E2 होगा I R2. E1 E2 होगा, एक कलेक्ट कर लेते हैं, E1 प्लस E2 एक जगह हमने कलेक्ट कर लिया, माइनस कॉमन ले लेते हैं, I भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2. ओके. ये हमने दोनों को कलेक्ट कर लिया, इन दोनों में से माइनस I कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 बच जाएगा, ये VAC का वैल्यू बच गया. अब अगर हम इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग अगर लिखा जाए तो टर्मिनल
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी इज गिवन बाई वी ए सी इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं हम इसको, V इज इक्वल्स टू होता है E माइनस आई आर, चूंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है तो करंट तो वही होगा, यहाँ पर भी I, क्योंकि इन्हीं दोनों सेल्स को मिलकर ये सेल बना हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। इसको अगर हम लिखें इक्वेशन नंबर टू है ये थ्री है, तो ये इक्वेशन नंबर फोर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें तो E इक्विवेलेंट के प्लेस पे आया हुआ है VAC, कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों इक्वेशंस को, Comparing equation 3 and 4, we have E equivalent is equals to, देखिए कंपेयर करेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, माइनस आई के प्लेस पे आई आया हुआ है तो आई तो कंपेयर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, E1 प्लस E2 जो है वो इक्विवेलेंट की जगह पे आया है, यानी कि E1 प्लस E2 हो जाएगा इक्विवेलेंट। और अगर R इक्विवेलेंट को हम देखें तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट है उसकी जगह यहाँ पर आया हुआ है R1 प्लस R2। इन सिमिलर वे अगर दो सेल के बजाय 3, 4, 5, 6 या n नंबर ऑफ सेल्स हों तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन EN, ये n सेल्स के लिए इक्विवेलेंट हो जाएगा। और अगर R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन RN, ये आपका R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें E और R पता लग गया। अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पर तो रूल्स क्या बनता है, दो रूल्स बनते हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि जो EMFs का सम होगा, यानी कि तमाम सारे सेल्स सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट EMF सम ऑफ इंडिविजुअल EMFs के इक्वल होगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ रेजिस्टेंसेस इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस के इक्वल होगा। तो ये दो रूल्स सम के बनते हैं। थर्ड मैटर ये आता है कि अभी आपने यहाँ पर देखा बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आपने कनेक्ट किया, तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो आपका EMF बढ़ता जाता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ जाता है, यानी बैटरी के पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, अगले पॉजिटिव को अगले निगेटिव से, यानी ऑड टर्मिनल्स को आप कनेक्ट करेंगे तो EMF बढ़ जाता है, यानी बैटरी का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। जैसे 2 वोल्ट का एक बैटरी है, 2-3 वोल्ट का दूसरा है, तो 2-3-5 हो जाएगा, 5 वोल्ट का बैटरी बन जाएगा। लेकिन यदि हम ऐसे कनेक्ट कर दें, निगेटिव टर्मिनल्स को एक पास कनेक्ट कर दें, ये E1 है, ये E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इन पॉइंट्स का नाम हम A और C ही रखते हैं, तो इस सिचुएशन में इनके दोनों निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड हैं, तो हमारा इक्विवेलेंट EMF जो है वो जाता है E1 माइनस E2 हो जाता है, यानी कि बैटरी का स्ट्रेंथ घट जाता है। जैसे मान लीजिए ये 3 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट का बैटरी है, तो अब रिजल्टेंट जो बचेगा 3-2 यानी कि 1 वोल्ट का बैटरी बचेगा। ठीक है, ये उसका स्ट्रेंथ घट जाएगा अगर निगेटिव निगेटिव को कनेक्ट कर देंगे तो। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो निगेटिव को पॉजिटिव से, लेकिन रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस जुड़ता ही है चाहे आप किसी भी टर्मिनल को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें। तो ये अगर टर्मिनल्स जो है माइनस माइनस एक साथ कनेक्ट कर दिए जाएँ तो इस तरह से जो है ये आपका EMF घट जाएगा। ओके, वी शैल स्टडी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हियर टू सेल्स हैविंग EMF E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैविंग रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, इट्स ओके, एंड इफ आई करेंट फ्लोइंग थ्रू दिस पॉइंट हियर द करेंट इज स्प्लिटेड इंटू टू पार्ट, I1 करेंट गोज टू दिस पोर्शन एंड I2 करेंट गोज थ्रू दिस पोर्शन, एंड आफ्टर
combining I current flows through this portion. Okay, as you know, the potential difference across these points, AC कहिए या B1 and B2 कहिए, इन दोनों points पर दोनों cell की वजह से जो potential difference होगा, यानी terminal potential difference होगा, वो same होगा. यानी V का value दोनों के लिए क्या होगा? Same होगा. आपको पता भी है parallel combination में voltage जो होता है दोनों ends के, अब चूंकि इसका भी जो end है वो B1 B2 पर ही connected है, इस cell का भी end B1 B2 पर connected है, तो टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा दोनों के क्रॉस. ये आपको याद रखना है, वोल्टेज दोनों के क्रॉस क्या रहेगा? सेम रहेगा. ईएमएफ नहीं सेम रहेगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल है जब हम यूज करेंगे, यानी कि जब करंट फ्लो होगा इस सर्किट में. ओके, अब जरा देखा जाए तो पहली चीज तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि नेट जो टोटल करंट आई है वो I1 सॉरी प्लस I2 के इक्वल हो. ओके, अब यहां पर इसके अक्रॉस अगर हम पहले सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल निकालते हैं, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1 निकालते हैं, तो आपको पता है V इज इक्वल्स टू होता है E1 माइनस I1 इंटू R1. दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन. यहाँ से I1 को अगर सब्जेक्ट करें तो पूरे इस टर्म को इधर ले आए हम, हो जाएगा I1 इंटू R1 इक्वल्स टू E1 माइनस V, या I1 इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको E1 माइनस V अपान R1. यहाँ से R1 को हमने ट्रांसफर कर दिया, तो हमने यहाँ से I1 का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि मैं I1 और I2 का वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट करूँगा. एक बार और देख लेते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1, इस सेल के अक्रॉस अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल जो है इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस होगा, जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैंने बोला भी था यहाँ भी टर्मिनल पोटेंशियल V होगा, यहाँ भी होगा. तो V इज इक्वल्स टू होता है E माइनस IR. EMF है E1, करेंट है I1 इसमें, और रेजिस्टेंस है R1. तो हमने यहाँ से I1 को सब्जेक्ट किया, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1, I1 का वैल्यू. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, ये 2. अगेन टर्मिनल पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E2, दूसरे सेल के अक्रॉस निकालते हैं, इस वाले सेल के अक्रॉस, तो टर्मिनल पोटेंशियल सेम होगा भी E2 माइनस I2 R1 हो जाएगा. ये जो हमने फार्मूला डेराइव किया था उसके हेल्प से पता किया हमने. यहाँ से अगर I2 को हम सब्जेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे ये मिला है I1 इज इक्वल्स टू E माइनस V, तो ये हो जाएगा E2 माइनस V, वोल्टेज सेम है, और अपान R2, सॉरी यहाँ R2 होगा, R2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 1, हमें मिल जाएगा I इक्वल्स टू, I1 का वैल्यू क्या है? E1 माइनस V अपान R1. इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, E1 अपान R1 माइनस E1 अपान R1 माइनस V अपान R1. दोनों को मैंने डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, ये I1 का वैल्यू हो गया. I2 का वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? I2 इक्वल्स टू E2 अपान R2 माइनस V अपान R2. ध्यान से देखिए, यहाँ से ये E2 अपान R2 माइनस V अपान R2 हो गया. डिनोमिनेटर मैंने स्प्लिट कर दिया, I1 I2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर ये मिल गया हमें. अब E1 वालों को एक जगह कलेक्ट कर लिया हमने, E1 अपान R1, E2 अपान R2 एक जगह हो गया. माइनस V कॉमन ले सकते हैं हम इन दोनों टर्म्स में से, V माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2. ठीक है, ये I का वैल्यू हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं. ओके, अब मान लीजिए इन दोनों सेल्स की जगह पर एक सेल रख दिया जाए,
जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ईएमएफ हो ई इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस हो आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, तो एसी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट फॉर इक्विवेलेंट सेल इक्विवेलेंट सेल के लिए आपको मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल, चूंकि सेम ही रहेगा पैरेलल में है, V इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको E इक्विवेलेंट माइनस करंट टोटल फ्लो होगा इसमें I, क्योंकि टोटल करंट आपका I है, I इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। चूंकि यहाँ पर हमारे इक्वेशन फोर में I सब्जेक्ट है, तो यहाँ से I को सब्जेक्ट करें हम, तो पूरे इस टर्म को इधर लाएं तो हो जाएगा आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ए इक्विवेलेंट, बी को उधर भेजेंगे माइनस बी, या आई इक्वल्स टू मिल जाएगा आपके पास ए इक्विवेलेंट माइनस बी अपान आर इक्विवेलेंट जाएगा, तो दोनों को अलग अलग मैं लिख दे रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट अपान आर इक्विवेलेंट, दोनों को हमने अलग अलग लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर फाइव हो गया। इक्वेशन नंबर फोर और फाइव को कंपेयर किया जाए, फोर और फाइव को कंपेयर किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड आई आई है, इक्वल है, यहाँ पर ये जो टर्म है वो आपको मिल रहा है ई इक्विवेलेंट अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई वन अपान आर वन प्लस ई टू अपान आर टू, ये मिल रहा है आपका। इसकी जगह पर यहाँ माइनस है वी 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 कैंसिल हो जाएगा, वन अपान आर इक्विवेलेंट की जगह पे मिल रहा है, ये इसको ब्लॉक में कर देते हैं, वन अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू है वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू, ये जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है जो कि ऑलरेडी मिला हुआ है हमें इस पूरे डेरिवेशन के बाद, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता करने के लिए आर इक्विवेलेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी। यदि मान लीजिए आपके सेल्स बढ़ जाते हैं तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ई इक्विवेलेंट अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा ई वन अपान आर वन प्लस ई टू अपान आर टू प्लस ई थ्री अपान आर थ्री एंड सो ऑन ई एन अपान आर एन, ये हो जाएगा n सेल्स के लिए, और रेजिस्टेंस का एज यूजुअल हो जाएगा वन अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री प्लस वन अपान आर एन, ये n इक्विवेलेंट सेल्स के लिए आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आ गया। तो बस इसी को याद रखना है आपको, ये तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस का सम ऐसे ही होता है ई इक्विवेलेंट अपन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई वन अपन आर वन ई टू अपन आर थ्री थ्री अपन आर थ्री एंड सो ऑन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल के का ईएमएफ होता है। ध्यान रखेंगे कई बार क्वेश्चन आपसे वन मार्क्स में पूछ देता है व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैविंग ईएमएफ 5 एंड 6 वोल्ट सेल, तो देखिए चाहे 5 वोल्ट का हो 6 वोल्ट का हो या जितने भी वोल्ट का हो पैरेलल में लगा है तो टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, टर्मिनल पोटेंशियल आपका चेंज नहीं होता है, बस ईएमएफ अलग अलग हो सकते हैं। और अगर आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ पता करना है यानी कि तमाम सारे सेल लगे हैं उन सभी सेल्स को हटाकर एक जो है सेल लगा दें जो उतना ही सप्लाई दे जितना ये सब मिल के दे रहे हैं, तो आपको इक्विवेलेंट निकालना होगा, और उसके लिए फॉर्मूला है ई इक्विवेलेंट अपन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई वन अपन आर वन प्लस ई टू अपन आर थ्रू आर टू एंड सो ऑन। सो दिस क्लास इज ओवर नाउ एंड असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस assignment related to this video is uploaded on the Google Classroom. Thank you.